हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कमाल की, यानी कि कमाल की तो नहीं है, मैं आपको बताऊंगा जैसे आपके क्रोम में क्या होता है, गंदे गंदे नोटिफिकेशन आते हैं जो कि आप वो ऊपर ही पड़े रहते हैं, तो कोई फ़ोन देखता है तो बोलता है कि कितने गंदे नोटिफिकेशन या कुछ भी आपके फ़ोन पे आते हैं, तो आपको उनको कैसे बंद करना है ताकि वो आपके फ़ोन में होम स्क्रीन पर या यानी कि ऊपर लॉक स्क्रीन पर ना आए। पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि क्रोम के गंदे नोटिफिकेशन को आपको कैसे बंद करना है, कहाँ से बंद करना है, लाइव प्रूफ डिटेल से। तो वीडियो पर बने रहना, वीडियो को स्किप एक भी नहीं करना, पूरा एंड तक वॉच करना है जो हम बताएं आप समझ सकें अच्छी तरह से। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल लाइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली कंटिन्यू इसी तरह के कंटेंट अपलोड होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम या कोई एप्लीकेशन की न्यू अपडेट के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट। दोस्तों वीडियो को यहाँ से करते हैं स्टार्ट। आपको सिंपली क्या क्या करना है पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। तो आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन कर लेंगे तो ऐसा इंटरफेस यानी कि ऐसा पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा, सबसे ऊपर ये दिख रहा है आपको थ्री लाइन का ऑप्शन, तो आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नो सेटिंग का ऑप्शन, तो आपको सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग वाले ऑप्शन पे, इस यानी कि एप्लीकेशन के क्रोम के सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना है नोटिफिकेशन, आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको इस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको ऐसे जाना है। जैसे आप इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ से चालू होगा, तो यहाँ से क्या करना है आपको, इसको यहाँ से कर देना है बंद। इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे तो आपके जो गंदे नोटिफिकेशन हैं जो आते हैं, आपकी फ़ोटो गंदी फ़ोटो आते हैं, गंदे नोटिफिकेशन आते हैं, तो वो यहाँ से आपके स्क्रीन पर जो यहाँ ऊपर शो हो जाते हैं तो वो यहाँ पर नहीं शो होंगे और ना ही आएंगे आपके फ़ोन में। ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आए, अगर आप चाहते हैं कि साइलेंट में रहे, कोई मतलब आवाज़ भी ना दे, तो नीचे में यहाँ पर दिया है ये साइलेंट का ऑप्शन, तो यहाँ से साइलेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको किस किस कहाँ कहाँ अलाउ करना है इसको, तो यहाँ पर देखिए नीचे दिया लॉक स्क्रीन में आप अलाउ कर सकते हैं, बाय एंडेज में कर सकते हैं, पॉप अप में कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यानी कि एप्लीकेशन में करना है अलाउ, कि एप्लीकेशन में ही आए, तो ये एप्लीकेशन में भी दिया है, लॉक स्क्रीन के ऊपर भी दिया है और होम स्क्रीन के पे पास भी दिया है। तो आपको जैसा जो भी लगे यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है इतना, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ये गंदे नोटिफिकेशन ही ना आए तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, बंद कर देना है। ये यहाँ पर दिख रहा है। इतना करने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी 100% क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो दिक्कत होती कुछ नहीं है, जो दिक्कत क्या होती है कि जब कोई फ़ोन ले लिया या फिर किसी के फ़ोन धोखे से चला भी गया, देखा तो बोलता है क्या देखता रहता है, कैसा फ़ोटो कैसा वीडियो पड़ा रहता है, नोटिफिकेशन किस किस चीज़ का आ रहा है, तो ऐसा होता है। तो आप यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे तो आपकी ये मस्त प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के डेली मस्त अपडेट, मस्त कंटेंट और न्यू अपडेट के बारे में डेली वीडियो अपलोड होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अगली कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।